मेरे हाथों में मैंने पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ पकड़े होंगे भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चेहरे की खुशी से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं वाकई में बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, और ये खुशी का राज आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा। जी हाँ, वही राज है कि मेरा यूट्यूब का पहला पेमेंट आ गया है भाई। मैं इतनी इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना, मतलब खुशी तो मेरे से बयां ही नहीं हो रही है। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह मैं नहा धोवा के तैयार हो गई हूँ, और पापा गए हैं बैंक पैसा निकालने के लिए, और मैं जा रही हूँ भैया के साथ मंदिर में। बिकॉज ये जितना भी पॉसिबल हो पाया है वो हमारी मेहनत, आप सभी का प्यार और भगवान के आशीर्वाद से ही हो पाया है। इसलिए सबसे पहले मैं भगवान जी के पास जा रही हूँ उन्हें बहुत बड़ा थैंक यू बोलने के लिए। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और भैया भी तैयार हो रहा है, मैं हम दोनों जाने वाले हैं मंदिर। एंड फिर मंदिर से आने के बाद मैं आप सभी को बताऊँगी कि मेरी क्या उम्मीदें थी, क्या सपने थे, कितने सपने पूरे हुए, कितना पेमेंट आया है, मैं उस पेमेंट का क्या करूँगी, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस ब्लॉग में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हमने चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है, अब चलते हैं हम लोग मंदिर। और जो मंदिर हम लोग जा रहे हैं ना, पता है हम लोग जा रहे हैं वही मंदिर जो मैं अपने बर्थडे वाले दिन गई थी, बिकॉज वो बहुत सुंदर मंदिर था। हम लोग वहीं जा रहे हैं, मेरे को बैठने दो। ओके लेट्स गो। सच में ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे घोड़ा खड़ा है मंदिर के बगल में। हेलो हेलो बोल रहा है घोड़े ने, मुझे हेलो बोला है उसने, मुझे हेलो बोला है, मुंडीला के बोला। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं जब से कलकत्ता से आई हूँ ना, मैंने कलकत्ता में घुड़सवारी की थी ना एक बार, और टमटम में भी बैठी थी मैं, तो तब से मेरे अंदर का जो घोड़े का डर है ना वो चला गया है। चलो मैं आ गई वापस घर, अब चलते हैं ऊपर। तो ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, इसका दो गेट है, जो मैंने आपको होम टूर वाले ब्लॉग में दिखाया था, एक ये वाला और एक ये पीछे वाला। और तो पीछे वाले गेट में क्या हुआ ना कि पूरा गेट में दीमक लग गया और पूरा वो गेट सड़ गया था, क्योंकि लकड़ी का था, पूरा दीमक लग गया, पूरा खराब हो गया। इसीलिए अभी यहाँ पे लग रहा है लोहे का गेट। डुगू, आज नेचरी जी तुमको एक गिफ्ट देगी, बताओ तुमको क्या चाहिए? क्यों? वो तुमको व्लॉग में पता चलेगा, पहले तुम बताओ तुमको क्या चाहिए। सैंडल चाहिए, ठीक है। हाँ तो ईशु नेचरी दीदी आज तुमको एक गिफ्ट देना चाहते, बताओ तुम क्या लेगा, जोर से बोलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे ब्लू कलर का ट्रायंगल वाला कुरकुरे वाला चिप्स। सो गाइस, आज स्पेशल दिन है तो खाना भी कुछ स्पेशल है। आज मम्मी ने बहुत ही स्पेशल खाना बनाया है। मम्मी ने बनाया है, इसमें होगा आई थिंक आलू का भुजिया, आलू का हाँ भुजिया और पूरी, और साथ साथ में हलवा सूजी का। एक चीज आपको दिखानी है कि पापा बैंक से पैसे ले आए हैं, इस लिफाफे में है मेरा पहला पेमेंट। सबसे पहले जा रहे हैं हम दोनों के साथ उसका सैंडल खरीदवाने के लिए। चल के दिखाई बार कैसा लग रहा, चलने में कंफर्टेबल है? ये छोटा सा हमने इशू के लिए देखा है, ये साइज इसको आ जाएगा परफेक्ट। आए तो थे एक चप्पल लेने के लिए, लेकिन ले लिए हैं तीन तीन चप्पल, दो डुगू के लिए और एक इशू के लिए। इशू के लिए वैसे लेना नहीं था क्योंकि उसके पास है, लेकिन जब वो डुगू का नया चप्पल देखेगा ना तो बहुत रोएगा, इसलिए उसके लिए भी एक चप्पल ले लिया हमने। तो अभी मैं खाना खा के ऊपर से आ गई हूँ और पेट एकदम डिम डम डुल हो गया है, बिकॉज जब पूड़ी और आलू का भुजिया बनता है ना तो फिर मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही खा लेती हूँ, और हलवा मैं नहीं खा पाई बिकॉज आलू का भुजिया पूड़ी खाने के बाद फिर मेरे पेट में जगह नहीं बची हलवा के लिए, तो मैं शाम को खा लूँगी, इट इज़ ओके। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, एंड शाम के टाइम में वी ऑल आर इन द ऑफिस और सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भैया अपना काम कर रहा है, यहाँ मम्मी अपना काम कर रही है, पापा अपना काम कर रहे हैं, और यहाँ पे इशू मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो आज जैसे कि घर में खुशी का मौका है, तो पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि कितना पेमेंट आना है, कब आना है, क्योंकि जितना भी चीज़ होता है ना चैनल के बारे में, एडिटिंग के बारे में, अकाउंट के बारे में, वो सब मेरी मम्मी हैंडल करती है। तो मुझे इतना पता था कि मोनेटाइज हो चुका है, पैसे आने वाले हैं, लेकिन कितने आने वाले हैं और कब आने वाले हैं ये मुझे नहीं पता था। और कल एकदम से ये खुशखबरी मिली तो मैं तो एकदम उड़ के सातवें आसमान में पहुंच गई, मेरे को इतनी खुशी हुई। तो मैं तो इतनी खुश हूँ, अब देखते हैं कि घर में और कितने कितने लोग कितने कितने खुश हैं। तो ये तो हमेशा खुशी रहता है, और आज भी इतना खुश था कि मेरे को सुबह सुबह उठ के मंदिर लेके गया था, तो ये तो बहुत खुश है।
और मेरी मम्मी के चेहरे पे मुस्कान आपको दिख रही होगी कि मेरी मम्मी कितनी खुश है, बिकॉज मम्मी की भी बहुत ज़्यादा मेहनत है चैनल को चलाने में, बढ़ाने में, तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है एंड पापा भी खुश हैं, लेकिन उतने खुश नहीं है। मैं बताती हूँ पापा खुश कब होते हैं। पापा खुश तब होता है जब मैं कोई प्रोग्राम देने जाती हूँ ना, और मेरे प्रोग्राम के दौरान जब तालियों की गड़गड़ाहट होती है ना, तब पापा का चेहरा देखने लायक होता है, तब पापा का एकदम से ऐसे ऐसा स्माइल निकल के अंदर से आता है। तो ये रहा वो पीला लिफाफा जिसके अंदर मेरा पहला पेमेंट है। इसमें से अभी 10-1200 रुपए खर्च हो गए हैं वो गिफ्ट के लिए और प्रसाद के लिए, लेकिन अभी इसमें कितने पैसे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओ भाई, और भी अंदर, ओ माय गॉड, इतने पैसे हैं। अब देखो मुझको तो पता नहीं, अब जितना मैंने देखा है लोग एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताते कितना उनको मिला है, तो मैं भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊंगी क्योंकि गाइडलाइंस मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट फिगर आपको बता देती हूँ कि ये कितना है। तो ये इतना है कि मैं अपने लिए 1 तोले से थोड़ा कम का सोने का अंगूठी बनवा सकती हूँ। इतना मेरा पहला पेमेंट है। मेरे हाथों में मैंने पहली बार इतने सारे पैसे एक साथ पकड़े होंगे भाई साहब। मैंने तो 10 बार गिन चुकी हूँ, पता है पापा ने ऐसे दे दिया, लो तुम्हारा पेमेंट है, तो मैं तब से गिने ही जा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कड़क है। मेरा ना एक सपना है और एक इच्छा है। तो जो सपना है ना वो ये है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं दिन रात प्रयास भी कर रही हूँ, और एंजल गुप्ता सिंगर वाले चैनल में आप सभी का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये तो मेरा सपना था, लेकिन इसके अलावा ना मेरी एक इच्छा भी थी कि मतलब आज से 3-4 साल पहले जब मैं आई थिंक 6th क्लास में थी, तो मुझे जानने को मिला था कि बाहर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे बच्चे जो है 10th क्लास के बाद अपना पॉकेट मनी और जो छोटे मोटे खुद के खर्च होते हैं ना, वो खुद पूरा करते हैं मनी अर्न करके 10th क्लास के बाद। तो मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, मुझे लगा कि ऐसा मुझे भी करना चाहिए, लेकिन ये चीज़ के बारे में ना मैंने किसी को बताया नहीं था, बिकॉज मुझे सोर्स नहीं पता चल रहा था कि मैं 10th क्लास के बाद अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही हूँ लेकिन मैं कैसे हूँ, तो ये चीज़ मुझे पता नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो ऐसे ही सोर्स के खोज के दौरान मुझे यूट्यूब के बारे में पता चला, तो फिर मैंने वहाँ मेहनत करनी स्टार्ट करी, और भगवान का करिश्मा देखिए कि मुझे जितना मैंने सोचा था कि 10th के बाद मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करूँगी, मुझे 10th एग्ज़ाम से 8 महीने पहले ही मेरा पहला पेमेंट मिल गया। भगवान जी, आई लव यू। आज ये जो मेरा पहला पेमेंट आया है वो भगवान की कृपा की वजह से और आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही आया है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और आज के व्लॉग को करते हैं बस समाप्त। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।